नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। और चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। ईरान ने इस वक्त इसराइल पर अपना दबदबा बना लिया है और इसराइल का हाल यह है कि उसने अपने जवाबी हमले को लेकर के अभी तक एक बयान जारी नहीं किया है। इस बात से घबराए बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने नया टारगेट चुन लिया है। बताया जा रहा है कि इसराइल की सेना ने ऑपरेशन नसरुल्लाह करने की तैयारी पूरी कर ली है। देखिए रिपोर्ट। चौबीस में अप्रैल का महीना इसराइल के लिए ही नहीं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। नेतन्याहू के सामने तीन बहुत बड़े चैलेंज आ चुके हैं। पहला चैलेंज ईरान की मिसाइल है, दूसरा चैलेंज लेबनन का हिजबुल्ला है और तीसरा चैलेंज है इसराइल की पब्लिक जो सड़क पर उतर चुकी है। पहले तो इसराइल पर ईरान ने मिसाइल बरसाई, इसका जवाब इसराइल की तरफ से भी देने की रिपोर्ट आई। लेकिन अब इसराइल की सड़कों पर नेतन्याहू पर नारे बरस रहे हैं। नेतन्याहू अपने घर में ही बुरी तरह से घिर चुके हैं। नेतन्याहू या कहें कि इसराइल पर सवाल उठने लगे हैं। ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत दिखाओ। इसराइल की जनता अब नेतन्याहू से बड़ी डिमांड कर रही है। हमास से बंधकों को छुड़ाने की मांग है, नेतन्याहू को हटाकर चुनाव कराने की मांग है। Israeli people are trapped in an abusive relationship with a fundamentalist government. They thought they could leverage the atrocities of October 7th to beat us into submission. Extreme police brutality has deterred many people from joining the protests. This is an abusive relationship. It's not a legitimate government, and we need elections immediately. There's no time to spare. ये गुस्सा देखकर नेतन्याहू खामोश हैं। इसराइल के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तेल अवीव की तस्वीरें बता रही हैं कि नेतन्याहू अपने लोगों के बीच फंस गए हैं। We're hopeless. We don't know what to do anymore. So we're here crying and shouting for help. ये गुस्सा देखकर इसराइल को ईरान का साथी हिजबुल्ला याद आया और फिर नेतन्याहू का ऑर्डर जारी हुआ, लेबनान पर फौरन अटैक हुआ और इसका वीडियो भी बहुत जल्द जारी हो गया। पहला हमला लेबनान के टायर हरफा में हुआ, दूसरी मिसाइल लेबनान के ओदय से में गिरी, तीसरी मिसाइल से लेबनान के ख्याम को टारगेट किया गया। तीनों हमलों में हिजबुल्ला के तीन लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। نحن في لبنان وفي كل مكان نحن محور المقاومة ومحور الممانعة لن نرضى ولا يمكن لأحد أن يرعب أي عنصر। कहा जा रहा है कि इसराइल की फौज ने ऑपरेशन नसरल्ला शुरू कर दिया है। इसराइल की फौज अब हिजबुल्ला के सबसे बड़े कमांडर को मारना चाहती है। हिजबुल्ला के रोजाना हमलों से परेशान इसराइल अब ईरान समर्थित इस मिलिशिया का पूरी तरह से अंत करना चाहता है और इससे ही इसराइल का ऑपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला के लड़ाकों के जनाजे निकल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था, उसके बाद से इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें हिजबुल्ला के 285 लड़ाके मारे जा चुके हैं। ज्यादातर की मौत लेबनान में हुई है जबकि कुछ सीरिया में हुए इसराइली हमलों में भी मारे गए हैं। इसके अलावा लेबनान के 60 नागरिकों की भी ऐसे ही हमलों में जान गई है। लेकिन इसराइल का ये दुश्मन लगातार अपनी ताकत भी दिखा रहा है। कुछ ही दिन पहले हिजबुल्ला ने लेबनान इसराइल बॉर्डर के पास एक इलाके में ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इसराइल के करीब 19 लोग जख्मी हुए थे जिसमें 14 तो इसराइल के सैनिक बताए जा रहे हैं। ड्रोन का वीडियो भी दिखाया गया जो हूबहू ईरान के अबाबिल ड्रोन जैसा है।
हिजबुल्ला को ईरान का फुल सपोर्ट है और यही वजह है कि ईमान खुमैनी से लेकर मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीरें हिजबुल्ला की रैलियों में नजर आती हैं। Hezbollah is strong enough as to make the Israelis make lots of calculations before they go into any kind of open confrontation. ईरान और हिजबुल्ला के डबल गेम को काउंटर करना इजराइल की सिरदर्दी बन गई है। अपने युद्ध का रिजल्ट दिखाने के लिए नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है। इजराइल में तनाव है, इजराइल में दबाव है। इजराइल के सामने ईरान ही नहीं, अब हिजबुल्ला और हूथी का संकट गहरा गया है। जाहिर है ये सब देखकर ईरान बहुत खुश होगा। ईरान जो चाहता है इजराइल में वही हो रहा है। पहले ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, पूरा इजराइल दहल उठा। नुकसान इजराइल की जमीन को नहीं, इजराइल के रुतबे को हुआ, जिसे ईरान ने फौरन कैश किया। इसके बाद इजराइल से भी ईरान में स्ट्राइक होने की बात सामने आई, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। ना ही इजराइल में कोई अफसर या नेता मुंह खोलने को तैयार है। क्या इजराइल आगे नया हमला करेगा, इसका डर बना हुआ है। ईरान में व्लॉगर फेरिश्ते बता रही हैं कि इस वक्त ईरान में जिंदगी कैसी है। यहाँ तेहरान में चहल पहल है, लेकिन तनाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल वाला खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। من صبح بیدار شدم، اومدم دوینو چک کردم، یه سری خبر دیدم راجع به شرایط اخیر ایران و اسرائیل. ईरान में सड़कों पर सब सामान्य लग रहा है, लेकिन ईरान की फोर्स चौकन्नी कर दी गई है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल लॉन्चर सब एक्टिव है। जाहिर है इसका असर आम जिंदगी में भी है, लेकिन वीकेंड की वजह से बाजार बंद रहे। ईरान में मर्दों दरन चुकान पर इनके इनम बगम امروز جمعه است و تعطیلی ایرانی ها حساب میشه. ممکنه که خیلی مغازه ها تعطیل باشن، بعضی ها میان بیرون تفریح و بعضی هم توی خونه شون استراحت میکنن. بریم با هم ببینیم که ایران چه خبره. ایران که بعد اسرائیل که حالات دیکھیے، جہاں پبلک چلا رہی ہے، غصے میں ہے. इजराइल में नेतन्याहू की सरकार को हटाकर फौरन चुनाव की मांग होने लगी है। हजारों लोग बैनर पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। We're trying to get rid of this dictator for over a decade now. People talk about 197 days. I mean, there's no meaning to this number anymore. I'm talking about more than half a year that my son, that all the hostages are still held in Gaza and no deal is on the way. No, I don't feel enough is being done. It's unthinkable that we have people of all ages, from babies to people in their mid-80s, in there living in tunnels and unthinkable conditions, hopefully alive at this stage. But no, not enough has been done. The release of all the hostages, that would really feel like a victory for the whole of the country. Of course, to change the government. I want Bibi to go home. तेल अबीब की सड़कों पर यही सवाल और यही बवाल देखकर इजराइल के प्रधानमंत्री का रुख ईरान के बाद लेबनान की तरफ हो चुका है। और जैसा बताया कि इस वक्त गाजा में हमास को खत्म करने के साथ इजराइल का एक और मकसद है, ये है इजराइल की फौज का ऑपरेशन नसरल्ला। ऑपरेशन नसरल्ला यानी हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप का खात्मा, यही इजराइल का ऑपरेशन नसरल्ला कहा जा रहा है। लेकिन ईरान के दोस्त हसन नसरल्ला और हिजबुल्ला के कैडर की हिम्मत 14 अप्रैल के बाद बढ़ गई है। जब से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, तब से हिजबुल्ला को महसूस हो रहा है कि वो इस इलाके में अकेला नहीं है जो इजराइल से टकरा रहा है, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्स भी है। It's always estimated that the Israelis, as long as the Western support and Western cover is there, they could attack. It's a possibility. But the Iranians have made it very clear, if they attack, they are going to take the retaliation three or four folds at least. If they are ready to take the brunt of what they do, then let it be. इस वक्त इजराइल से लेकर ईरान तक माइंड गेम चल रहा है। ईरान ने अपने हमले के आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली और फिर पीछे गया। इसके बाद जब इजराइल की तरफ से जवाबी हमले की बात आई, तो उसकी जिम्मेदारी तेल अवीब में अभी तक किसी ने नहीं ली है। यही वजह है कि नेतन्याहू की लीडरशिप पर अब सवाल उठ रहे हैं। इजराइल में जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हर बात के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं।
I think the government has failed in the last year and the last year and a half, and has brought us really to the lower level Israel has been in the last 76 years. दुनिया की नजर इजराइल पर अब भी बनी हुई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसने अभी तक नहीं माना है कि ईरान के हमले का जवाब दे दिया गया है। इसलिए अप्रैल का पूरा महीना ये दुनिया बहुत बड़े खतरे से जूझती रहेगी। ईरान और इजराइल की टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है। अगली खबर की ओर, अमेरिका ने इसराइल को हजारों की तादाद में गोला बारूद और मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। इसराइल इससे खुश है, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को साथ ही एक ऐसी सलाह दी है जिससे इसराइल ने युद्ध कहा कि हार भी सकता है। देखिए रिपोर्ट। जंगी जेट रेडी है, फाइटर ड्रोन अटैक मोड में है, दो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है। मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा, ईरानी दूतावास दहला, ईरान ने हमले के आरोप सीधे इजराइल पर लगाए। इजराइल हमले से इनकार करता रहा, अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अनजान ही बताया। दमिश्क अटैक के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल की बौछार इजराइल पर कर दी। ईरानी हमले से अमेरिका ने इजराइल को कवर दिया, सुपर पावर के साथ नेटो कंट्री भी इजराइल के कवच बने। इसके बाद जब ईरान के शेखरी बेस को धुआं धुआं किया गया, तब भी अमेरिका ने हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। इजराइल की इराक स्ट्राइक से भी अमेरिका ने दूरी बना रखी है। इसके मायने क्या है? क्या युद्ध में इजराइल अकेले फंस गया है? क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल किसी युद्ध में उलझने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेज की सीक्रेट मीटिंग में क्या तय हुआ है? क्या इजराइल ईरान के टकराव से शुरू होने वाला महायुद्ध टल गया है? ये कहना तो मुश्किल है कि ईरान इजराइल शांति धारण करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका इस बारूदी फसाद में फंसने से बच रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की रणनीति के आधार पर किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका की सेनाएं मिडल ईस्ट में बड़े युद्ध के लिए तैनात नहीं है। अगर संकट गहराता है तो पेंटागन को क्षेत्र में सैन्य जरूरतों के बारे में दोबारा विचार करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में मिडल ईस्ट के उप सहायक रक्षा सचिव माइकल मुलरॉय ने एक बयान में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकतें हैं जो हम इजराइल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है। माइकल मुलरॉय से अमेरिकी फोर्सेस के टॉप कमांडर की राय भी मिलती जुलती है। खाड़ी में अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले फोर स्टार जनरल जोसेफ वॉलेट मानते हैं कि अमेरिकी सेना को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा कि क्षेत्र में हमें कौन सी आवश्यक टिकाऊ क्षमताएं बनाए रखनी है। बड़ी चिंता लंबे वक्त तक इलाके में बने रहने की हमारी क्षमता है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं, इजराइल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को ये जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजराइल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपोर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं, अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा।
ऐसे में इसराइल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए, जिसने अमेरिका की शह पर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलझ गया। अगर अमेरिका वॉर में नहीं आया तो इसराइल अकेले कितने दुश्मनों से भिड़ेगा, इसे समझना होगा। ईरान के पाले में अरब मुल्कों की पूरी ताकत जुटेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ईरान के साथ विद्रोही लड़ाकों की खोखार पलटन भी होगी। ईरान को पर्दे के पीछे रहकर रूस का साथ भी मिल सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कट्टर आतंकी भी ईरान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अकेला इसराइल इन सबसे कैसे जंग लड़ पाएगा, कब तक लड़ पाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका सिर्फ चीन के खतरे भर को देखते हुए इसराइल को अकेले छोड़ रहा हो, ऐसा भी नहीं। अमेरिका लंबे अरसे से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। एक एक कर अमेरिका ने कई फ्रंट से छुटकारा पाया। 5 मई 2018 अमेरिका ने दक्षिण कोरिया से अपने सैनिकों की संख्या कम करने का फैसला किया था। तब दक्षिण कोरिया में 28,500 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती थी। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने सोमालिया से अपनी फौज हटा ली थी। ISI के खिलाफ ऑपरेशन में लगे सुपर पावर के 700 सोल्जर वापस बुलाए गए थे। 2020 में इराक में मौजूद 5,000 जवानों में भी अमेरिका ने कमी की थी। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से 3,000 सैनिकों की वतन वापसी करवाई। हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया कि वो नाइजर से अपने 1,000 सैनिक हटाएगा। अमेरिका ने पश्चिम अफ्रीकी देशों से सैनिकों की वापसी का पूरा प्लान बना रखा है। यही रोडमैप आगे मिडल ईस्ट में भी लागू हो सकता है। हालांकि अमेरिका कभी भी पूरी तरह इस इलाके से दूरी बनाने का जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि दुनिया भर में अमेरिका के 800 मिलिट्री बेस हैं। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में अमेरिकी फौज तैनात। एशिया में कतर का अल उदीद एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जहां 11,000 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की तैनाती है। इस एयरबेस से अमेरिका खाड़ी के 18 देशों में अपने सैन्य ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। मगर अमेरिका के लिए यही सैन्य तैनाती मुश्किल की भी वजह बनती है। खाड़ी में मौजूद तमाम आतंकी गुट इन अड्डों को आए दिन टारगेट बनाते हैं। अमेरिका को दुश्मन चुनने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उससे दुश्मनी मोल लेने खुद ब खुद आ जाते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका एक नए फ्रंट पर आर पार की जंग से बचने की रणनीति अपना रहा है। लेकिन इसराइल चाहकर भी युद्ध से अलग नहीं रह पाएगा, क्योंकि ईरान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। इसराइल के हमले से घायल ईरान पलटवार की तैयारी में है। अरब वर्ल्ड में ईरान का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की जैसे इस्लामिक देश सीधे तौर पर ईरान को सपोर्ट करते हैं। एटमी ताकत पाकिस्तान भी खुलकर ईरान के साथ है। ऐसे में अकेला इसराइल सभी देशों से टक्कर ले पाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं। ये भी सच है कि इसराइल बिना नाटो और अमेरिका के सपोर्ट के जंग में उतरने की गलती कभी नहीं करेगा। और चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।